दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। वाहन चालकों को कोहरे में खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हल्की बरसात के भी आसार हैं। तो इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का डेडली कॉकटेल का सितम जारी है। लगातार जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं और जो घना कोहरा है वो भी लगातार बना हुआ है। एक बार मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हालांकि पहले से थोड़ी कमी आई है और जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन तक इसी तरीके से विजिबिलिटी बनी रहेगी। जो घना कोहरा है वो छाया रहेगा और अगर हम तापमान की बात करें तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में आज और कल जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में जो है इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये संभावना जताई गई है कि 2-3 दिन में जो है हल्की बूंदाबांदी होगी और उसके बाद तेज बारिश होगी, जिसके चलते जो तापमान है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी और लोगों को दिक्कतें होंगी। वहीं अगर हम इन तीनों डेडली कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कोविड के केसेस भी लगातार आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस लगातार आ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो उसका खतरा भी बढ़ गया है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो सलाह भी दी गई है कि मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। और वहीं अगर हम रोड्स की भी बात करें तो देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी के चलते जो है बहुत कम कार जो है वो देखने को मिल रही है। लोग भी अपने घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो ये देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो रोड्स है ये यूजुअली सुबह सुबह यहाँ पर देखा जाता था, बहुत सारी कार्स देखने को मिलती थी, लेकिन अभी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त 3 डेडली कॉम्बिनेशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये जो मौसम है वो लोगों को बीमार कर रहा है। तो लोग भी जो है वो पूरी तरीके से एहतियात रख रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की बात करें तो आज ही माना जा रहा है कि दिल्ली जो है वो कोल्ड डे घोषित हो सकता है। जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री तक रहेगा, अधिकतम तापमान जो है वो 15 डिग्री तक रहेगा। तो अभी 2-3 दिन तक इसी तरीके से जो मौसम की मार है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। सर्दी का सितम जारी है। ठंड और घने कोहरे के कारण लोग कांप रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। आप 4 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इस समय भीषण ठंड का दौर जारी है। जयपुर, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, चारों तरफ विजिबिलिटी बेहद कम। ये देर शाम की और बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हैं। इस सर्दी से बचने के लिए लोगों ने जगह जगह अलाव जलाई है ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। तो इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। और चूरू जिले में कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। दिन का तापमान भी यहां सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। दोपहर के बाद धूप खिलने के बावजूद लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिलती। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। उत्तरकाशी में सूखी ठंड का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है, जिससे नदी, झरने, झील सब जम चुके हैं और स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीना दुभर हो गया के ठंड के चलते नदी, झरने, झील जम चुके हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम से है जहां पर केदार गंगा का पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहा है। भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। धराली के पास 7 क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से पाले की चपेट में आ गए हैं। वहीं ठंड के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
दूसरी तरफ दिसंबर से अब तक बारिश बर्फबारी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम की मार फसलों पर भी पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। यहाँ पे परेशानी यही है कि पानी से जो है पूरे पाइप जो है जम चुके हैं और पानी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और अब इस समय जो है मौसम की मार ऐसी है कि अगर आजकल में अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। ठंड का कहर पूरे जिले में देखा जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो है सर्दी जुकाम खांसी बुखार और इनके मरीज जो है बच्चों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। और बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन दोनों वर्गों के मरीजों में ये जो ठंड का जो असर होता है वो ज्यादा होता है। तो ऐसे में यही है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, सावधान रहें, आवश्यकता अनुसार कंबल वितरण करें और अलाव जलाने की कार्रवाई करें जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर, और इसके लिए उनको आवश्यक धनराशि भी दी गई है। और यदि कहीं ऐसी कोई इसमें कमी पाई जाएगी तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पहाड़ में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है, झरने और पानी के स्रोत जम चुके हैं, वहीं शीतलहर ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोग बारिश और बर्फबारी की राह देख रहे हैं, ताकि सूखी ठंड के अटैक से थोड़ी राहत मिल सके। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर की रिपोर्ट। और अजमेर में इस साल की सबसे सर्द रात की रात दर्ज की गई। रात का न्यूनतम पारा गिरकर 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं सावर कस्बे में 3 दिनों से हुई हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन भर कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं विजिबिलिटी गिरने के साथ वाहन चालक दिन में हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। साथ ही किसानों की बात करें तो बूंदाबांदी से रबी की फसलों को काफी लाभ मिलने की संभावना है। तो ये सावर में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस सीजन की सबसे सर्द रात रही अजमेर में, बताया जा रहा है पारा 4.87 तक नीचे गिर गया। हालांकि इस कोहरे से रबी की फसल को फायदा पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर की कुछ तस्वीरें। सड़क